देखिए, हीट स्ट्रोक तो एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पर हाइपरथर्मिया मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जैसे 10-15 मिनट में 106-107 तक बढ़ सकता है, और ये खास तौर से होता है उन लोगों में जिनमें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि युवा लोगों में भी 30-31 साल का भी एक कोई पेशेंट है जो कि अभी RML में भर्ती हुआ है हीट स्ट्रोक के कारण, और 106-107 डिग्री टेम्परेचर के साथ बिल्कुल ड्राई स्किन है, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है और डिलीरियस है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है मतलब होश में कम है और चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके उसके टेम्परेचर को लोअर करने का इंतजाम करना पड़ता है, और साथ में उसको हाइड्रेशन का इंतजाम करना पड़ता है, और साथ में ये भी हमें देखना पड़ता है कि उसके ओवर ऑर्गन डैमेज ना हो, उसका प्रिवेंशन के लिए भी करना पड़ता है। बड़ी सीधी सी बात करता हूँ कि जैसे 11 से 3 बजे के बीच में कोशिश हो बाहर ना निकलें, खासतौर से हाई रिस्क केसेस जितने भी हैं, 4 साल से कम बच्चे या बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा, लेकिन ये किसी के लिए भी आप क्योंकि एक्सक्लूजन है, युवा में भी एक्सक्लूजन नहीं है सबसे नंबर वन। लेकिन अगर जाना ही है तो सर को कवर करके रखें, आपके कुछ और नहीं है, हैट नहीं है तो एक गमछा ही सर पर डाल लें, और बीच में अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उस गमछे को थोड़ा पानी से ठंडा करके सर पर रखें, तो जिससे कि आपकी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। दूसरा है कि आप एक गॉगल्स गर्मी में जा रहे हैं तो ज़रूर सनरेज से बचने के लिए काला चश्मा लगाएं। तीसरा, बार बार पानी पिए, आधा एक घंटे में भी ज़रूर पानी पिए, और जरा सा भी कोई सिम्टम आ रहा है, चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी आ रही है, आपको टेम्परेचर लग रहा है जैसे बढ़ रहा है, तो तुरंत आप एक कूलर एनवायरनमेंट में, चाहे वो AC हॉल हो सकता है आपके पास, कोई मॉल हो, नहीं है तो छायादार वृक्ष हो उसके नीचे जाएं, और जो मैंने बताया सर में जैसे गमछा है और पानी, और बॉडी में जो स्वेटिंग हो रही है उसको ज़रूर पोंछते रहें, ड्राई रखें उसको। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरनल सिस्टम है, हमारा बॉडी के जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो ठीक रहेगा, तो हमको हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया जैसी चीज़ें नहीं होंगी। और बहुत छोटी सी चीज़ है जैसे कि सबसे पहले शुरुआत तो होती है हीट क्रैम्प्स से या हीट रैशेस से, जिसमें कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे दाने लाल लाल पड़ने लगते हैं, या हीट क्रैम्प्स में है पता चला आपके मसल पेन हो रहे हैं, काफ में पेन हो रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स में पेन हो रहे हैं, शोल्डर में पेन हो रहे हैं, तो ये सब अर्ली सिम्टम्स है। अगर ऐसे कोई सिम्टम है और आपको प्यास ज़्यादा लगने लगी है और टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, तो आप तुरंत ही पानी पिए, लिक्विड पिए, इलेक्ट्रोल पाउडर पिए, नारियल पानी पिए, नींबू नमक का शिकंजी पिए,